कांग्रेस ने उनको चुनावी मैदान में उतारा। 2014 से ही लगातार उनकी शिकस्त होती रही, लेकिन इस बार कहानी पलट गई है। यहां इमरान मसूद ने जीत दर्ज कर ली है। कैराना सीट जो कि 2019 में बीजेपी के हिस्से में आई थी, सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन ने जीत दर्ज कर ली है। उत्तर प्रदेश इमरान मसूद ने जिस तरह से जीत हासिल की है, तो उनकी राजनीति, जो विरासत की राजनीति वो संभाल रहे थे, जिस पर क्वेश्चन होने लगा था, उसे एक जीवन दान मिल गया है। बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम आगे हैं। एक और बड़ी खबर है, सतीश गौतम 22,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। अलीगढ़ से ये खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट सतीश गौतम 22,000 से ज्यादा वोटों से आगे दिख रहे हैं। इमरान मसूद और इकरा हसन की बात कर लेते हैं। इकरा हसन, जिन्होंने पहले अपने भाई के लिए खूब मेहनत की और इस बार खुद के लिए मेहनत की और जीत हासिल की, तो वहीं इमरान मसूद जो लगातार लगे हुए थे, पहले सपा, फिर कांग्रेस, बीएसपी और फिर वापस कांग्रेस में आते हैं, इस बार जीत हासिल की उन्होंने। कैराना सीट प्रदीप चौधरी की यहां पर हार हो गई है। बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को इकरा हसन ने हरा दिया। और जैसा मेनका कह रही है कि इकरा हसन ने पहले अपने भाई नाहिद हसन के लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार किया 2022 के चुनाव में, इस बार उन्होंने अपने लिए मेहनत की और ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। हालांकि अलीगढ़ में सतीश गौतम पीछे चल रहे थे, अब उन्होंने तकरीबन 22,000 वोटों से यहां पर बढ़त बना ली है। लेकिन इमरान मसूद के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक नया जीवनदान उनको मिला है, संजीवनी मिली है, क्योंकि 2014 से लगातार उनकी सियासत को नकारा जा रहा था और यही कारण है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाते हैं समाजवादी पार्टी में, फिर बीएसपी में चले जाते हैं, बीएसपी से होते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में आते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं और जीत दर्ज करते हैं। और इन सब के बीच जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है वो ये कि अमेठी में स्मृति ईरानी की हार हो गई है। तकरीबन 1.5 लाख वोटों से स्मृति ईरानी हारी हैं। बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती हैं। और इन्हीं सब के बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी 5 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्मृति ईरानी की उधर होनी है, इधर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे की होनी है और लखनऊ में मीटिंग चल रही है। बदायूं से बड़ी खबर, आदित्य यादव 3,000 वोट से आगे चल रहे हैं। आदित्य यादव लगभग 3,000 वोट से आगे चल रहे हैं, बदायूं से खबर। शिवपाल के बेटे, बदायूं से उन्हें टिकट मिला, पहले यहां से किसी और को टिकट, फिर शिवपाल को, फिर आदित्य को मिलता है और लगभग 3,000 वोट से आगे चल रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले आदित्य पीछे चल रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि जो परिवार के 5 लोग मैदान में हैं, जिनमें से 4 जीतेंगे और 1 हारेंगे, तो वो शायद ये हों, लेकिन अब ये आगे चल रहे हैं, आदित्य भी आगे चल रहे हैं। बदायूं से बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त आलोक अवस्थी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। हमारे एक और खास मेहमान वीरेंद्र चौधरी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी मौजूद हैं। सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन जो एक बात हो रही थी इमरान मसूद की, वहीं से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, इमरान मसूद बार बार स्ट्रैटेजी बदलते रहे, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, हर जगह फिट होने की कोशिश करते रहे। उनके लिए कहा जा रहा था कि विरासत की राजनीति को बचाने की चुनौती अब है उनके सामने, वापस कांग्रेस में आए और जीत हासिल की। देखिए, है ना, हवा में इंडिविजुअल महत्व तो नहीं रखता, वो हवा अपने बयार में सबको बहा ले जाती है। हुआ वही है उत्तर प्रदेश में जी, 19% का स्विंग अभी मैंने जोड़ा जी, सपा गठबंधन के पक्ष में 19% का स्विंग होगा, कांग्रेस और सपा का वोट शेयर बनता है 24% 2019 में, दोनों को जोड़ दीजिए। अब की बार कितना हो रहा है, 43%, ह्यूज, मतलब 19% का इजाफा। अब 19% आया कहां से होगा, यह भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि सीधे सीधे 8% वोट लूज किया है बीजेपी ने, 50% से तकरीबन 42% पे घट गया है। और जो बीएसपी का 19% वोट था, सिर्फ 9% रहा, 10% वोट गया बीएसपी के खाते में, एसपी के खाते में, और तभी ये बनता है 43%। इमरान मसूदी क्या कोई भी होते तो उत्तर प्रदेश में इस स्थिति में जीत जाते, 43%, 19% का इजाफा, बीजेपी का 8% का नुकसान और सपा का 10% वोट कम होना, कुल मिला के उत्तर प्रदेश की कहानी यही है। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी से। भाटी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के स्टूडियो में। जो बात यहां पर वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि बसपा का लड़ाई में नहीं होना, बसपा का शून्य पर सिमट जाना, वो बीजेपी को डेंट कर गया और आपको फायदा पहुंचा गया, बीजेपी का भी वोट शेयर आपकी तरफ गया है, लेकिन बसपा वाला तो कह रहे हैं पूरा पूरा चला गया। धन्यवाद आपका। देखिए, जो हमने नारा दिया था पीडीए का, पीडीए ने हमारे साथ बड़ी मजबूती के साथ हमारा साथ दिया, माननीय अखिलेश यादव जी का साथ दिया, समाजवादी पार्टी का साथ दिया,
और जो हमारी समावेश की राजनीति थी उसको जनता ने हमारे साथ दिया है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की और जिस तरह के प्रचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर करे उनको नकार दिया है, वो सारी नफरत वाली राजनीति नकार दी गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में हमने भारतीय जनता पार्टी को लगभग हाफ़ कर दिया है, जो हमने बोला था कि हाफ़ कर दिया जाएगा वो हाफ़ कर दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी आज बहुजनों के पीडीए के सबसे बड़े नेता एक बार फिर दोबारा साबित हुए हैं, और उन्होंने फिर अपने आप को इस ये अपने एग्जाम में साबित किया है कि वो अभी भी बहुजनों के सबसे बड़े नेता। एक और आपके मुद्दे चले हैं और उन मुद्दों में भरोसा जनता ने वोटर्स ने जताया है, अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है। जोड़ दूं इसमें, ठीक है, आपके पास आती हूं। इसी पर मैं चाहूंगी कि हमारे जो मेहमान है वीरेंद्र जी, उनसे जवाब ले लूं। वीरेंद्र जी, बीएसपी को इस बार आप कैसे देख रहे हैं? अभी तक तो बीएसपी पर यह टैग था कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, बीएसपी ऐसे लड़ती है कि बीजेपी को फायदा हो। इस बार तो बीएसपी अकेले लड़ी है लेकिन खुद का नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा नुकसान वो आप देख ही रहे, तो क्या कहें? बीएसपी का जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों पे उम्मीदवार खड़ा करना और पिछले चुनाव में 19% सपा से ज्यादा वोट पाना, यह बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन जब उसका परिणाम सामने आज हमें दिख रहा है तो बीएसपी के पास सिर्फ 9% वोट रह जाता है। ये कैसे हम कह लें कि 9% है बसपा का वोट, तो फिर 10% गया कहां? ये 10% के प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका, देश में अपने प्रधानमंत्री, राज्यपाल उनके, सब प्रचार कर रहे हैं, तो जब सबके प्रचार करने के बावजूद भी आज मोदी जी 1.5 लाख से जीते, 3 घंटा तक तो पीछे थे, काशी की जनता ने 3 घंटे तक पीछे रखा मोदी जी को, और 1.5 लाख से जीतने में पसीने आ गए, पसीना निकल गया पूरे शरीर का, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे भाइयों ने, काशी की जनता ने दिखा दिया कि उनका प्यार अपने भाई के साथ है, अपने काशी के बेटे के साथ है। अरे भाई ये तो पूछिए उनसे कि 10 लाख पार कहाँ था, मैंने पहले ही कल ही कहा था 10 लाख पार कुछ नहीं, 400 पार झूठी बातें हैं, केवल झूठी बात करते हैं। ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है हम लोगों के ऊपर, उनके भक्त है, माँ गंगा की पावन तट पर हम लोग रहने वाले लोग, माँ गंगा की गोद में रहने वाले लोग, तो जो चीज़ें सही बात समझ में आ गई लोगों को कि काशी का बेटा काशी के साथ खड़ा रहेगा, सुख दुख का साथी है, ये गुजराती गुजरात से नहीं आया है और ये कोई ठगने नहीं आया है काशी के लोगों को, सारा काम गुजरात के लोगों को दे दिया, सारे धंधे व्यापार काम सब काम गुजरात के लोग यहाँ करते हैं। मैं निश्चित तौर से काशी के लोगों से धन्यवाद दूंगा और काशी के लिए आखिरी सांस तक समर्पित रहूंगा, और ये मोदी जी पिछली बार से बहुत कम वोट से जीते हैं उनकी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सुल्तानपुर से मेनका गांधी की चुनाव में हार हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुल्तानपुर से मेनका गांधी हार गई है। एक और बड़ा चेहरा जिनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, 2019 के चुनाव में वो सुल्तानपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरी, तकरीबन 14,500 वोटों से वो जीती थी, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गई हैं। बहुत बड़ा उलटफेर सुल्तानपुर में हो गया है, मेनका गांधी की हार हुई है। और बिल्कुल, और एक बार देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं अमित, कि आखिर पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त का जो रुझान है और इस वक्त के जो नतीजे अभी तक क्लियर हो गए हैं वो तस्वीर क्या है। हमारे सामने यहाँ पर एक मैजिकल वॉल है, अमित चाहूंगी आपसे कि आप जरा बताएं कि इस मैजिकल वॉल पर क्या तस्वीर उभर कर अभी तक सामने आ रही है। अभी तक की जो पिक्चर है वो तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर 40 सीट पर जो स्थिति है वो यूपीए के पक्ष में है, और 39 सीट पर स्थिति जो एनडीए, यूपीए को ही आप इंडिया ब्लॉक समझिए आप, ये स्थिति, और तकरीबन 25 सीटों का नुकसान यहाँ पर एनडीए को हो रहा है। लेकिन हम रीजन वाइज समझा देते हैं कि किस रीजन में क्या स्थिति रही है। सबसे पहले हम अवध की बात कर लेते हैं, अवध में क्या रहा है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि अवध की स्थिति क्या थी। अवध में दरअसल इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिला, यहां पर जिस तरीके से लगातार इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रचार प्रसार किया गया, अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश की गई, उसका असर यह हुआ कि यहां पर टाइट फाइट देखने को मिली और बहुत सारी सीटों पर फिलहाल ये रहा कि मार्जिन बहुत कम रहा। अगर वहां पर अभी फाइट भी चल रही है तो मार्जिन बहुत कम है, हार जीत भी हुई है तो मार्जिन वहां पर बहुत
कम रहा है। और इस बीच बड़ी खबर है, एक बार फिर से बता दें, मेनका गांधी सुल्तानपुर से हार गई है। मेनका गांधी की हार हुई है सुल्तानपुर में। और मेनका गांधी जो चुनाव प्रचार के दौरान ये कह रही थी कि सुल्तानपुर की जनता उन्हें माँ कहती है, माँ इसलिए कहती है क्योंकि वो अपने वोटर्स के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ इसी तरह से कनेक्ट है कि वहां के आम लोग भी आकर उनसे मिलते हैं, अपना सुख दुख उनके सामने रखते हैं। बीएसपी को बड़ा झटका 2019 की जीती हुई सीटें भी बीएसपी हार गई। हालांकि बीएसपी ने जितने सांसद जीते थे 2019 में बीएसपी के, वो छिटक कर इधर उधर पहले ही हो गए थे। और बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर गई। बीएसपी को बहुत मनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से हुई, अखिलेश यादव से हुई, लेकिन वो मानी नहीं। उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे और शून्य पर। तो कुल मिलाकर बीएसपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। जो स्थिति 2014 में थी वही स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। बीएसपी शून्य पर सिमट रही है। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की जीत हो गई है। बड़ी खबर, गाजीपुर से अफजाल अंसारी के यहां पर जीत हुई है। मुकाबला परसनाथ राय से था। एक साफ सुथरी छवि लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन फिलहाल अफजाल अंसारी से उनको हार का सामना करना पड़ा है, उनकी शिकस्त हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अफजाल अंसारी की तरफ से, अंसारी परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि एक सहानुभूति का माहौल है और सीट पर एक बार फिर से हमारी जीत होगी। अफजाल अंसारी जो कि 2019 का चुनाव बीएसपी के सिंबल पर लड़े थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने और तकरीबन 1,00,000 वोटों से अफजाल अंसारी ने परसनाथ राय को यहां पर हरा दिया है। तो बड़ी खबर आ रही है, अब देखिए तस्वीरें क्लियर होती जा रही है। अफजाल की जीत 1,00,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हुई है। और हमारे सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक अवस्थी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, प्रदीप भाटी जी एसपी स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है, और हमारे साथ वीरेंद्र चौधरी जी भी हैं। समाजवादी पार्टी का रुख पहले कर लेती हूं। अब आप कम से कम बीएसपी के लिए तो ये नहीं कहेंगे कि बीजेपी की बी टीम है? देखिए किसी की बी टीम का कहना, वो आप सारी चीज़ें आपके सामने हैं, किसने किसको कब किसके समय समर्थन दिया। हाँ। और कैसे प्रत्यक्ष रूप से दिया, वो तो जनता के सामने था और उसी का रिजल्ट ये भी रहा कि जो अभी जनता ने उसका जवाब वोट के रूप में दिया है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात मैं जो वीरेन जी कह रहे थे उससे थोड़ी सी असहमति मेरी ये है कि हम अभी भी वोट शेयर के मामले में काफ़ी आगे, क्योंकि हमारा जो वोट शेयर दिखाया गया है वो हम लगभग 62 सीटों पे चुनाव लड़े हैं और बाकी हमारे समर्थक हमारे अलायंस के पार्टनर्स लड़े हैं। तो जो हमारा वोट शेयर है वो उन 62 सीटों का, अगर उसको जोड़ेंगे तो हमने 2022 से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया वोट शेयर में भी, और 2019 से तो हमने अपनी सीट्स इतनी आगे बढ़ी। उसके अलावा अभी 14 सीटें जिसपे अभी चुनाव चल रहा है, 14 सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुत थिन मार्जिन है, उसमें समाजवादी पार्टी के फेवर में बहुत थिन मार्जिन। अंतिम परिणाम आने तक आप इंतजार करेंगे? ठीक बात है, आलोक जी को भी एक बार चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जी आलोक अवस्थी जी, 80 में 80 को लेकर लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया की जीत हो गई है। बाराबंकी से तनुज पुनिया जीत गए हैं। 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा और तनुज पुनिया यानी पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया ने इस सीट पर जीत दर्ज कर ली है। बाराबंकी में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए थी उसी में से एक सीट बाराबंकी, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी की जीत हो गई। जी आलोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी पहला रिएक्शन तो आपका इसी पर चाहेंगे, जो नतीजे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, कहीं भी आप लोगों को ये अंदाजा था कि ऐसा हो सकेगा? अंबेडकर नगर से भी बड़ी खबर, वहां पर भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, लालजी वर्मा जीत गए। जी बोलिए आलोक जी। देखिए उत्तर प्रदेश के नतीजे निश्चित रूप से जो है हमारे लिए एक शोध का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ है, और निश्चित रूप से हम अभी इस पर बैठेंगे, हमारे नेता चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार हमारे एनडीए का बहुमत है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी जितने सीटें इस समय दे रहे हैं वो कुल मिला के एनडीए अलायंस के जो सारे दल उन सबके वोट उन सबके सीटों से बहुत आगे है। हमारा वोट शेयर अगर खाली यूपी की बात करते हैं तो यूपी में भी हमारा वोट शेयर जो है समाजवादी पार्टी से लगभग 10%। अभी वोट शेयर को रहने दीजिए आलोक जी, उसका आप एनालिसिस बाद में करिएगा। मेरा सवाल यह था कि 80 में 80 जीतने का लक्ष्य लेकर आप आगे चले थे और आधे पर सिमट रहे हैं, 39 सीटों पर सिमट रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी सीटें वीवीआईपी सीटें आपके बड़े चेहरे इस चुनाव में हार गए।
आप जाहिर सी बात है कि इसका आकलन करेंगे, अवलोकन करेंगे, लेकिन एक बड़ी बात यह सामने आ रही है कि प्रत्याशियों के चयन में क्या कहीं ना कहीं चूक हो गई आपसे। मैं इस पर आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन बड़ी खबर आ रही है वो बता देते हैं, मुजफ्फरनगर से और देवरिया से भी आ रही है। देवरिया से बीजेपी की जीत हो गई है, शशांक मणि त्रिपाठी यहां से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे, प्रत्याशी यहां पर बदला गया और बीजेपी ने सीट जीत ली है। देवरिया में कमल खिल गया है, हालांकि विधानसभा चुनाव में भी देवरिया और बलरामपुर गोंडा ये वो तमाम इलाके थे जहां पर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो देवरिया में कमोबेश ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बीजेपी की जीत होगी और वही हुई, शशांक मणि त्रिपाठी की यहां पर जीत हो गई है। आलोक जी, मेरा सवाल यही था, क्या प्रत्याशियों के चयन में थोड़ी सी चूक हो गई? संजीव बालियान की हार की खबर आ रही है, बड़ी खबर है, मुजफ्फरनगर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हार की खबर है। हार का अंतर कितना है ये भी हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर पहले तक तो वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब उनकी हार की खबर आ रही है। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, उनकी भी हार हुई है। संगीत सोम से जो बगझक हुई थी और जो यहां पर एक लड़ाई देखने को मिली थी, और अब देख लीजिए नतीजे जो सामने आए हैं, तो संजीव बालियान की हार की खबर है। बहुत कोशिश हुई थी कि बीजेपी के सीनियर लीडर्स वहां पर जाकर बीजेपी के तमाम नेताओं को एकमत एकजुट कर लें, लेकिन लगता है कि खामियाजा उस लड़ाई का भुगतना पड़ा है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को। और पिछली बार भी हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, इनका तकरीबन 5000 वोटों से संजीव बालियान जीते थे, और अभी तक जो अपडेट हुआ है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तकरीबन 11000 वोटों से वो हारे हैं। मतलब इस बार भी हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी फाइनल फिगर अभी हम थोड़ी देर में रखेंगे। जी आलोक जी, आपका रिएक्शन? जहां तक कि आपका सवाल था, गोत्रा प्रदेश में प्रत्याशियों का चयन में क्या गलती हुई है, मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों को ठीक से लड़ाया था, सभी मुद्दों को हमने जनता के बीच में रखा, नैरेटिव कुछ दलों ने सेट करने का प्रयास किया है, लेकिन वो हमसे हमको हिला नहीं पाएंगे। केंद्र सरकार तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, हमारे जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो चलेंगी, हमने जो अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर विश्व में लाने का वादा किया वो हम करेंगे, साथ ही साथ जो हमने गरीबों को मकान देने के लिए कहा वो भी करेंगे। जी आलोक जी, निसंदेह कि यहाँ पर फिलहाल एनडीए की गवर्नमेंट बनती दिख रही है, लेकिन जिस मोदी गवर्नमेंट की बात हमेशा होती रहती है, क्या आपको ये वही मोदी गवर्नमेंट दिखेगी जो बड़े फैसले की बात होती है? प्रधानमंत्री ने कल भी एक्सपर्ट ट्वीट किया था कि बड़े फैसले लेने होते हैं, बड़ा काम करने के लिए कठोर फैसले लेने होते हैं, क्या ये वो मैंडेट है? देखिए, निश्चित रूप से जो मुखिया होता है सरकार का, उसकी विल पावर पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। पहले हम डिस्टिंक्शन से पास होते थे, इस बार हम जो है डिस्टिंक्शन से थोड़ा सा कम रह गए हैं, लेकिन हम पास हुए हैं और सबसे नंबर वन क्लास में आए हैं। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर है, महेश शर्मा की यहाँ पर जीत हो गई है और बड़े मार्जिन से वो आगे चल रहे थे, तकरीबन 5 लाख वोटों से यहाँ पर वो आगे चल रहे थे। देखना होगा कि हार जीत का अंतर क्या रहा, लेकिन महेश शर्मा जो कि 2014 में भी गौतम बुद्ध नगर से जीते, 2019 में भी जीते, 2024 में भी उन्होंने जीत दर्ज करते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी है और बहुत बड़े मार्जिन से संभवतः उन्होंने चुनाव जीता है। जैसे वो नंबर्स आते हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बस मैं ये कह रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा आलोक जी, एक अकेला सब पे भारी वो अहंकार वाली भाषा भूल के अब एनडीए सबको साथ लेके चलने वाली बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा सुन के। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता विनम्रता चाहती है, अहंकार नहीं, असत्य नहीं चाहती, सत्य चाहती है, और झूठे जुमले और वादे नहीं चाहती, सच्चा इरादा चाहती है। वो उन्होंने माननीय अखिलेश जी के रूप में देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत साफ क्लियर मैंडेट दिया है, और आगे आगे जैसे जैसे ये नतीजों में बदलेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट समाजवादी पार्टी की तरफ आप झुकाव देखेंगे। तो इस तरह से जो वादे और उन वादों में बड़े बड़े वादे नहीं किए, आलोक जी कह रहे थे बड़े बड़े काम करने, आप भी कह रहे थे बड़े बड़े झूठ बोलने हैं, एक भी 40 मेरे पास 42 ऐसे बड़े वादे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने 14 और 19 के चुनावों में बनाया, करा कुछ नहीं, पेपर लीक करें यहाँ पे, यहाँ भर्ती घोटाले करें यहाँ पे, बच्चों को वो इको गार्डन में बैठा के दो दो साल परेशान करा, उनको हक नहीं दिया, शोषित वंचितों का हक मारा, ये सब जो काम किए ये बड़े बड़े झूठ हैं इनके, ये वादे नहीं हैं। और अब बेनकाब ये हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले समय में आप देखेंगे ये हो सकता है कुछ महीनों में आपको उत्तर प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की देखने को ना मिले। देखिए, मैं इनके एक बात का, मैं वोट शेयर की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि सपा का वोट कम है, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस और सपा का वोट में इतना जंप हुआ है जिसको हम कहते हैं ना 19% बढ़ गया है, और उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा बदलाव दिख रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट
8% घटा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि सपा कॉम्बिनेशन का वोट घटा है। ठीक है वीरेंद्र जी, यूपी की तो हम बात कर ही रहे हैं, एक बार फिर ओवरऑल भारत पर आप जरा नजर डालिए और बताइए कि पूरे भारत में 295 पे एनडीए इस वक्त अगर आगे चलती हुई दिख रही है, एनडीए गठबंधन आगे दिख रहा है, तो कहां कहां किस पॉकेट में नुकसान और कहां संभलता हुआ दिख रहा है? बढ़त तो नहीं दिख रही बहुत ज्यादा कहीं पर भी, संभाला किस पॉकेट ने? जी मैं माफी करिए, माफ कीजिएगा, वीरेंद्र जी। हाँ देखिए, सबसे जो बड़ा नुकसान हुआ है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं यूपी, कहां 64 और कहां 33, ऑलमोस्ट हाफ। राजस्थान 24 सीट 14 पर आ गए, कर्नाटक 25 सीट 16 पे आ गए, महाराष्ट्र 23 सीट अकेले, इतना जोड़ा घट के आगे कहां 18 पे जोड़ के, एनसीपी अजीत पवार एक सीट मिला उनको, उसके बाद 6 सीट पर हैं एकनाथ शिंदे, जबकि पिछली बार सिर्फ शिवसेना और बीजेपी का अकेले दोनों मिलके 41 सीट था, 23 सीट मिला था महाराष्ट्र में जी बीजेपी को। आपको रोक रहा हूं, मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है, रुचि वीरा की यहां पर जीत हो गई है, कई बार यहां पर प्रत्याशी बदले गए और आखिर में गठबंधन प्रत्याशी बनी रुचि वीरा, उनकी जीत हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी का देहांत यहां पर हो गया था वोटिंग के बाद, जिसके बाद एग्जिट पोल में मुरादाबाद सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में जा रही थी और लग रहा था कि यहां पर बाय इलेक्शन होगा, लेकिन जब एग्जैक्ट पोल आया है तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा की मुरादाबाद सीट पर जीत हो गई है। वीरेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। और जहां तक बीजेपी को बचाया है वो कौन सा राज्य है? हाँ। मध्य प्रदेश 29 का 29, छत्तीसगढ़ 11 में से 10, उड़ीसा जी, बिहार, ये वो राज्य है। और खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा दक्षिण भारत का, बिहार में नीतीश जी का साथ आना फायदा कर गया। बिल्कुल, लोग कह रहे थे कि नीतीश को लाके क्या होगा, लेकिन एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होता है और वो हुआ। और यदि दक्षिण भारत का देखें आप तो केरल में बीजेपी का खाता खुल रहा है, सुरेश जीत रहे हैं वो। उसके बाद तेलंगाना में जहां पर 4 सीटें थी 8 हो रहा है। हाँ, कर्नाटक में नुकसान हुआ है, आंध्र प्रदेश में इनको मिला के लगभग सोचिए 21 सीट मिल रहा, तो कुल मिला के उन आज भी उन्होंने कहा कि 300 पार जाएंगे तो निश्चित रूप से ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। नहीं, मैं समझता हूँ कि कुल मिला के जब कांग्रेस को हार का ठीकड़ा कहीं फोड़ना होता है तो ईवीएम उन्हें याद आती है। सब तरफ से यह सिद्ध हो चुका है कि ईवीएम से अच्छा निर्वाचन पद्धति के लिए कोई और मशीन नहीं है और उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों को भी, बाकी लोगों को भी, भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर गौरव होना चाहिए और इस चुनाव प्रक्रिया पर, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पर, और आसानी से हमारे यहाँ कुल मिला के चुनाव होते हैं और चुनाव परिणाम आते हैं, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, इससे अच्छा डेमोक्रेसी का उदाहरण और कहाँ दुनिया में देखने को मिलता है। स्वाभाविक रूप से हम लक्ष्य तय किए थे लेकिन लक्ष्य तक कई बार नहीं पहुँच पाते हैं। नहीं नहीं, स्वाभाविक रूप से कौन क्या करेगा ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व देख रहा है और केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। तो नरेंद्र सिंह तोमर को सुन रहे थे आप, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली रवाना होंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर सामने आ रही है, फाइनल नतीजों के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज रात दिल्ली पहुंचेंगे, इंडिया ब्लॉक आगे की रणनीति तय करेगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एनडीए फिलहाल पूर्ण बहुमत से कहीं आगे है, लिहाजा पीएम मोदी के नेतृत्व में ही तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अखिलेश यादव जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसके बाद दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। और अखिलेश यादव को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर भी लगा दिया था कि आने वाले प्रधानमंत्री को अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई, इस तरह के पोस्टर लगे थे आज लखनऊ में। और अखिलेश यादव आने वाले हैं दिल्ली।
अखिलेश यादव जो अभी तक की तस्वीर है उसमें एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन इस बीच आईएनडीए का रुख समझ में आएगा। शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं वो सुन। मंत्री बनेंगे मोदी, यही देश की आवाज थी। अब आ गए मोदी, जीत गए मोदी, प्रधानमंत्री बन रहे मोदी। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये कोई छोटी बात नहीं। भारत जैसे महान देश के महान नेता नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विपक्ष को कुछ सीटें मिल गई तो विपक्ष की भूमिका निभाएं वो जी। क्योंकि पहले तो विपक्ष का दर्जा लायक भी सीटें नहीं थी, अब कुछ सीटें उनको मिल गई हैं। तो शहनवाज हुसैन का कहना है कि विपक्ष को कुछ सीटें इस बार मिली हैं, सम्मानजनक सीटें मिली हैं, तो विपक्ष की भूमिका निभाएं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार बन रही है। बड़ी खबर यह कि अखिलेश यादव आज रात दिल्ली पहुंचेंगे। उनके दिल्ली पहुंचने के मायने क्या है वो समझने वाली बात होगी, और यही बताने के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी है आपके पास? अखिलेश यादव दिल्ली जा रहे हैं आज रात, क्या लेकर जा रहे हैं मन में? देखिए, साफ तौर से क्योंकि उत्तर प्रदेश में नतीजे हैं और समाजवादी पार्टी के जो आशा थी उसके अनुरूप ही है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कोलेशन में बातचीत के लिए, जो इंडिया ब्लॉक है उसमें बातचीत के लिए जाने की तैयारी है। अपने अधीनस्थों को बात कह दी गई है कि सब तैयारियां कर ली जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में आखिरी दौर का मतदान क्योंकि चल रहा है, कुछ जगहों पर समाजवादी पार्टी का मानना है कि सीट फंसी हुई है, जीत हार का फैसला बहुत कम वोटों से अंतर से होना है, तो ऐसे में अभी फिलहाल वो लखनऊ में ही अपने आवास पर और लगातार निर्वाचन आयोग और डीएम से बातचीत का सिलसिला चल रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी, अगर ये सिलसिला 9 बजे रात तक चलता है तो शायद उनका जाना मुश्किल हो, लेकिन अगर ये तमाम चीजें फैसले और पहले थोड़ा हो जाते हैं 8 बजे रात तक तो दिल्ली के लिए रवाना भी हो सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ तैयार रहने के लिए अपने अधीनस्थों को और लोगों को तैयार रहने के लिए। और जो नतीजे आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के खेमे को उत्साहित करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, इन नतीजों का श्रेय लेने की भी अब होड़ होगी गठबंधन के दलों में। हालांकि सरकार बनाते तो फिलहाल आईएनडीए ब्लॉक नहीं दिख रहा है, लेकिन नतीजे वाकई उत्साहित करने वाले हैं विपक्षी दलों को, और इस पर भी अब बैठकें होंगी, बातें होंगी। अब प्रदीप जी, अखिलेश यादव आ रहे हैं दिल्ली, क्या होगा, क्या बात लेकर आ रहे हैं? देखिए, अभी तो सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के पास काफी सारा समय, मतलब आप अभी संभावना देख रहे हैं? बिल्कुल, समय बिल्कुल है। अभी तो बीजेपी देखिए आप 225 के आसपास रहेगी, और जो लोग भी किसान हित में बेरोजगारी, लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी चुनाव हार गए हैं, तो कई केंद्रीय मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री के इस चुनाव में हार हुई है, और इन्हीं मंत्रियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, वो है अजय मिश्रा टेनी का, जो कि चुनाव हार गए हैं, और यहां से गठबंधन प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी बात, उत्कर्ष वर्मा की यहां पर जीत हुई है, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे अजय मिश्रा टेनी को उन्होंने हरा दिया है। तो लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी हार गए हैं, विवादों में रहे, उनके बेटे के थार से कुचलकर कई किसानों की मौत हुई थी, वो विवाद लगातार जुड़ा रहा, केंद्रीय राज्य मंत्री थे, और देखिए चुनाव किस तरह से हार गए लखीमपुर खीरी में। समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत ही ज्यादा मजबूती से यहां पर लड़ाई लड़ी गई थी, और इसका श्रेय बार बार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो रणनीति बनाई गई थी इंडिया गठबंधन को, जिस मजबूती से अखिलेश यादव ने यूपी में जोड़ रखा। लेकिन मैं वीरेंद्र जी से जानना चाहूंगी, वीरेंद्र जी कांग्रेस की बात कर लेते हैं, कहा 44 2019 में और अब शतक लगाने के करीब है, ऐसे में कांग्रेस की वापसी को आप कैसे देख रहे हैं पूरे देश में? देखिए, कांग्रेस की वापसी का स्कोप तो यह है कि 17 बार लोकसभा चुनाव हुआ, लोएस्ट स्कोर 44 बना 2014 में, थोड़ा ऊपर उठा 2019 में 52 पे गया, लेकिन यदि आप रनर अप देखेंगे कि कितने सीटों पर वो पार्टी दूसरे नंबर पर थी, 2014 में 224 सीटों पे नंबर टू थी, 2019 में 209 सीटों पे रनर अप थी, लेकिन उसमें खास बात यह है कि कई बहुत क्लोज थे। लेकिन अब की बार राहुल गांधी ने अपने नैरेटिव के माध्यम से घूम घूम के, और देखिए क्या क्या, देखिए लूज कोलिशन है, लूज कोलिशन का मतलब है कि भले आप निंदा करें कि आप दिल्ली में आप कांग्रेस का गठबंधन है, पंजाब में क्यों नहीं है, बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, ममता दीदी क्यों अलग है,
तो ये सब कुछ होने के बाद ये तो स्ट्रेटजी है, ये तो बीजेपी के साथ भी है, कई ऐसे दलों के साथ वो स्टेट में अलायंस करते हैं और जब बात राज्य की देश की होती है तो अलायंस नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस का जिक्र 14 में 44 थे, 24 में 100 के पास पहुंचते दिख रहे हैं। क्या राहुल गांधी की मेच्योरिटी है या कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी कम हुई? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि यदि ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में 10 सीटें मिल जाती, लेकिन जहां जहां अलायंस है वहां पर इनको ज्यादा सफलता मिली है। चाहे महाराष्ट्र देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश देखिए, चाहे अन्य राज्य देखिए, जैसे केरला में ही देखिए, चाहे तमिलनाडु में ही देखिए, हालांकि एक बात है कर्नाटक में इन्होंने अकेले लड़ा, लेकिन फिर भी इनको वो सफलता नहीं मिली जैसा कि अन्य जगह मिला। मैं चाहूंगा प्रदीप जी आप भी इस पर अपनी बात रखिए, क्योंकि जब मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग सीटों पर घूम रहा था, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से कार्यकर्ताओं से जब मेरी बातचीत हुई ऑफ कैमरा जब बातचीत हुई, तब उन्होंने कहा कि देखिए 2022 में जिस कांग्रेस पार्टी के पास जमीन पर गठबंधन नहीं था, ना नेता थे ना कार्यकर्ता थे, 2024 में उसके पास कहां से आ जाएगा। हमारे साथ अलायंस हुआ है, जाहिर सी बात है कि हमारे ग्राउंड जीरो पर जो हमारी फोर्स है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, और वही शायद हमें परिणामों में देखने को मिल रहा है कि वोटों का मर्जर हुआ। और ये मर्जर इसलिए हुआ क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फील्डिंग सेट की कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे कार्यकर्ता बड़े मजबूत, हर जिले में बड़े मजबूती से चुनाव लड़े। आपने देखा कि चाहे वो 2022 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, समाजवादी पार्टी जितनी भी सीटें लड़ी वो बहुत क्लोज फाइट में लड़ी या उन्होंने चुनाव जीते। हमने काफ़ी गठबंधन पहले, जो पिछला गठबंधन था हमारा 2022 का, उस गठबंधन में जो खामियां थी वो हमने पूर्ति करी, उनको उनमें हमने अपनी मिस्टेक से लर्न किया और इस बार बड़ा अच्छी तरीके से बड़ी सरल भाषा में सभी कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ा और सबको समावेश बना के हमने एक ये जीत की जो इमारत गढ़ी है वो इन सबको साथ लेके गढ़ी है। माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आप उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनका बहुत बड़ा प्रभाव है, उसका असर भी बाकी राज्यों में भी पड़ा, जो अभी बात कर रहे थे वीरेंद्र जी, मध्य प्रदेश में भी। आप राष्ट्रीय नेता बना रहे हैं अखिलेश यादव को, राष्ट्रीय नेता बना रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है और उस प्रदेश में से जिसमें से 14 प्रधानमंत्री अलग अलग टर्म्स में मैं बात करूं तो चुन के प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो वो टर्म्स में जो बने हैं 14 प्रधानमंत्री उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का ही प्रधानमंत्री आगे बने, इसके लिए अभी ये जरूर आप जान लीजिए कि एनडीए गठबंधन सरकार बनाने नहीं जा रहा है, अभी वो सत्ता से दूर है। और जो लोग किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में किस और जिस तरह की सरकार पिछले 10 साल में चली है उससे देश को बचाने के लिए जरूर हमारे साथ आएंगे, चाहे वो दल ठीक है सर। फिलहाल अभी वो आपसे आगे हैं, नंबर्स में भी आपसे आगे हैं। एक बार वाराणसी का रुख कर लेते हैं, वहां से हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी वहां से चुनाव जीत चुके हैं। अजय राय का थोड़ी देर पहले आपने रिएक्शन भी सुना, वो चुनाव हारे जरूर हैं लेकिन इस हार में भी अपनी वो जीत देख रहे हैं। वहां पर उपेंद्र किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच, क्योंकि जीत का जो लक्ष्य रखा गया था बहुत बड़ा था, उतना बड़ा नहीं देखने को मिला है लक्ष्य, लेकिन हाँ ये कि जीत जीत होती है, कैसी तस्वीर देख पा रहे? बिल्कुल, देखिए जीत 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 होती है अमित, 1,52,000 से करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते, हालांकि 2014-2019 के मुकाबले ये जीत का अंतर बहुत कम है। हम खुद बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अब ये देखिए जश्न बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है, इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय पे हूँ और बात भी कर लेता हूँ, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी जीते, हालांकि जीत का जो फासला है वो बेहद कम है, खुद कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय कह रहे हैं वो हार कर भी जीत गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जीत एक वोट की होती है और देश ने प्रधानमंत्री जी को अपना बनारस के लोगों ने प्यार दिया है और तीसरी बार फिर एक बार कारण क्या रहा, कम अंतर का कारण क्या रहा, वोट क्या नहीं निकला, आपको क्या लगता है कम अंतर का कारण क्या रहा? विपक्ष ने झूठ बोला और जो नेगेटिव स्टेट किया उसको वो थोड़ा बहुत असर आया, लेकिन जीत तो जीत होती है। बिल्कुल, कम वोट का फासला रहा, इसका कारण क्या रहा? सबसे पहला तो यही रहा कि जो जातिवाद हुआ और उन्होंने जो लोगों को ये भ्रम में डाला कि मैं इतना रुपया दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, जबकि जहां उनकी सरकार है वहां पे आज तक उन्होंने ना कुछ किया ना कुछ करने वाले हैं, तो ऐसे ऐसे झूठे लोगों पे जनता ने भरोसा किया और भरोसे का आज परिणाम है और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे। और हम कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे गुरु
हमार काशी हमार मोदी, मोदी जीत गल तो लगा भी हुआ, बिल्कुल बैनर भी लगा हुआ दिखा ये तो क्या बहुत वोट के बार का कम निकलल का वोट घर से के फासला का है इतना कम रह गया। 2014 में भी जब पहली बार लड़े थे तब 2.5 लाख से थे, उसके बाद 4.5 लाख से, इस बार 1.5 लाख वोटों से क्या अंतर रहा? आप लोग के संगठन में क्या जमीनी स्तर पर कुछ कमी है? आप लोग वोट नहीं निकलवा पाए घर से? भैया हम लोग वोट निकलवा पाए भी और वोट दिवाए भी, 50% से ऊपर पड़वे नहीं किया। और ये देखिए प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं, राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय और बड़ी सी मुस्कान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के चेहरे पर। सुप्रिया श्रेणी भी साथ में दिख रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी होंगे। राहुल गांधी निकल चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं। दोनों के चेहरे पर आप ये जो हंसी देख रहे हैं, मुस्कान देख रहे हैं, मेहनत जो 2 महीने की मेहनत रही उसके बाद की ये तस्वीर है। बहुत समय INDIA गठबंधन, बहुत समय बाद भी मुस्कान देखने को मिल रही है राहुल के चेहरे पर, प्रियंका के चेहरे पर। भारत जोड़ो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो घूमे, लोगों से मुलाकात की, उन्होंने संगठन को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की हार हुई राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद चेहरे के ये भाव देखने को मिले नहीं थे। लेकिन आज चूंकि इंडिया ब्लॉक ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है, पूरे देश में 233 सीटों पर अगर उनके प्रत्याशियों ने या तो बढ़त बनाए रखी या फिर जीत दर्ज कर ली है, तो चेहरे पर ये मुस्कान बहुत स्वाभाविक है। राहुल गांधी साथ में प्रियंका गांधी, सुप्रिया श्रेणी को आप देख सकते हैं, कांग्रेस के बाकी कई नेता हैं। प्रदीप जी, जब मैं रायबरेली में मौजूद था और राहुल गांधी का नॉमिनेशन था, ठीक उसी दिन सुबह सुबह ये खबर आई कि राहुल रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरेंगे, वहां पर आए, उनसे तमाम सवाल किए गए कि आप अमेठी से रायबरेली क्यों आ गए, ना उन्होंने किसी सवाल का जवाब दिया और ना चेहरे पर कोई भाव देखने को मिला, एक चुप्पी थी। लेकिन आज चेहरे की ये मुस्कान क्या बता रही कि कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिल गई है? देखिए हम लोग अलायंस में साथ मिलकर लड़े और एक दूसरे की ताकत बने और यही एक भारतवर्ष की परंपरा रही है। हम तो गंगा जमनी तहजीब से जुड़े हुए लोग रहे हैं, हमारी पार्टी हमेशा उसको मानती रही है और अलायंस में भी हम दूसरे पार्टनर का, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे उसके हिसाब से थोड़ा सा कमतर है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होनी है, थोड़ा इंतजार क्या नहीं कर लेना चाहिए था कि आप जो गठबंधन के तमाम पार्टियां हैं, अखिलेश यादव हैं, वो भी आ जाए तो एक साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अभी। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है वो तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। और अखिलेश यादव जी अभी पहले, क्योंकि अभी काउंटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, वो अभी लखनऊ में मौजूद हैं। और हर पार्टियां इंडिविजुअल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसी प्रक्रिया का हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हमारे सहयोगी शिवम प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस कार्यालय से, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। शिवम, हम तस्वीरें देख रहे हैं, दो तस्वीर है, एक तरफ राहुल, प्रियंका, सुप्रिया सुनेत, सभी के चेहरे पर मुस्कान और दूसरी तरफ सभी के पार्टी कार्यालय पहुंचने का इंतजार। किस तरह की हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें सामने आ सकती हैं? लगभग 10 सालों के बाद कांग्रेस मुख्यालय में उछाड़ आया है, जब यहाँ जख्म का माहौल है। निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन लगातार ये कह रहा था कि वो 295 सीटें जीतेगा, लेकिन एग्जिट पोल्स के बाद लगभग सभी को ये आशा थी कि बीजेपी बड़े मार्जिन से, एनडीए बड़े मार्जिन सरकार बनाएगी, लेकिन आज इंडिया गठबंधन को कांग्रेस। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर हुई है बात, अखिलेश ने राहुल से फोन पर बात की है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बात हुई है, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल चुके हैं, उनका इंतजार हो रहा है कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। इससे पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच फोन पर बात हो गई है, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बस इंतजार चल रहा है कांग्रेस दफ्तर में और जश्न की तस्वीरों के साथ, जश्न वाले माहौल के साथ इंतजार चल रहा है। राहुल प्रियंका के चेहरे पर खुशी भी दिख रही है। इसी बीच अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच फोन पर बात हुई है, अखिलेश यादव को राहुल ने बधाई दी है, राहुल गांधी ने अखिलेश यादव ने, दोनों ने ही एक दूसरे को बधाई दी है। शिवम, अपनी बात पूरी करिए, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ मौजूद हैं, तमाम महासचिव इस वक्त मौजूद हैं। मैं वही आपको बता रहा था कि कांग्रेस को 10 साल बाद ऐसी संजीवनी मिली है, भले ही कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार न बनाए, लेकिन इन चुनावों में जो सीट जिस तरीके से बढ़ी है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की, सब के आसपास रुझानों में अभी तक कांग्रेस आगे, ऐसे में कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है, दूर नगाड़े बज रहे हैं और यही एक वजह है कि अपनी बड़ी जीत को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी दोनों प्रेस वार्ता करेंगे। इस प्रेस वार्ता में न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को जनता को धन्यवाद देंगे बल्कि हो सकता है कि आगे के लिए भी क्या प्रयासरत है, क्या अभी उनको ऐसा लगता है कि फाइनल जो टैली आनी है उसके बाद इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेगी। अखिलेश यादव से राहुल गांधी ने बात की, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए, हम आपके पास आएंगे फिर से रुक करेंगे आपका। लेकिन वीरेन जी इसी पर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, जिस तरह की मेल मुलाकात हो रही है, फोन पर एक दूसरे से बात करके बधाइयां दी जा रही हैं, और 2017 के बाद 2024 में एक बार फिर से यूपी के लड़के साथ आए, आपको लग रहा है कि अब ये साथ दूर तक जाने वाला है, 2027 तक साथ में जाने वाला है या उसके भी आगे? वीरेन जी देखिए, साथ मजबूती से होता जैसा इनका सोचना था कि 2004 का रिपीटेशन हो सकता है, ऐसा इनका मानना था, 295 की भी बात थी। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, अपनी बात पूरी करिएगा। नरेश उत्तम पटेल ने फतेहपुर में हरा दिया है बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति को, एक कड़ी हार यहां पर हुई है साध्वी निरंजन ज्योति की, और जैसा हम कह रहे हैं कि कई केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय राज्य मंत्री हारे हैं, उसी में एक एक नाम जुड़ते चले जा रहे हैं, साध्वी निरंजन ज्योति की भी हार हो गई है। नरेश उत्तम पटेल जो कि एसपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अब अध्यक्ष पद पर नहीं है, लेकिन यहां पर उनके सिर पर जीत का ताज सजा है। और जो एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां से राहत वाली खबर आप कह सकते हैं, अरुण गोविल जीत गए हैं, बीजेपी के लिए राहत की खबर है कि अरुण गोविल जीत गए हैं। अरुण गोविल लगातार कभी आगे कभी पीछे चल रहे थे, और ऐसे में भले ही फैजाबाद में बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह की हार हुई है, लेकिन मेरठ में जो टीवी के राम है अरुण गोविल, वो जीत गए हैं। जीत का अंतर महज 9000 वोट ही है, लेकिन जीत जीत होती है। अरुण गोविल मेरठ में जीत हासिल कर चुके हैं, ये एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हालांकि कई केंद्रीय और केंद्रीय राज्य मंत्रियों की हार उत्तर प्रदेश में वो चर्चा का विषय है, मंथन का विषय है। कई बड़े चेहरे जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, उनकी हार हुई, लेकिन इस बीच अरुण गोविल यानी कि मेरठ की सीट बचाने में बीजेपी एक बार फिर कामयाब हुई है। ठीक है, वीरेन जी अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन, उनका फिलोसफी ये था कि 2004 दोहराया जाएगा, जब वाजपेयी जी को सिर्फ 138 सीटें मिली और कांग्रेस को 145, लेकिन 7 सीट के फर्क ने बिल्कुल सब कुछ बदल दिया। अब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो कांग्रेस और उनके गठबंधन को यही उम्मीद था कि बीजेपी से थोड़ा मोड़ा ज्यादा हमें मिल जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब सवाल है कि उनको इतना नंबर मिला है कि सरकार को दबाव में बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि सपा और कांग्रेस या बसपा पहले भी साथ रह चुके हैं और फिर जुदा भी हुए हैं, तो यह कहना मुश्किल है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव सदा के लिए एक साथ हो गए। असल में हार के बाद कई बार गठबंधन के जो गांठ है वो खुल जाती है, लेकिन जीत के बाद गांठ और मजबूत हो जाती है। सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक है। सौरभ जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, अभी तक की जो टैली आप देख पा रहे हैं, जो कुछ घट रहा है, जैसा राहुल और अखिलेश की फोन पर बातचीत चल रही है, अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, तीसरी बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से सरकार में थी और पूर्ण बहुमत के साथ थी, तीसरी बार देखिए चुनौती रहती है, कोई भी पार्टी हो वो अंदरूनी तौर पर जो है वो स्वीकार करते हैं चुनौती को। ठीक है, ऊपर में उन्होंने एक नारा दिया था, लेकिन उनको पता था कि जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश है और अन्य राज्य हैं जैसे राजस्थान है, तो वहाँ पर चुनौती उनको जरूर मिलेगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पास मुद्दों से ज़्यादा उसको लाभ इस बात का मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ कमियां रह गई या फिर कुछ नेताओं का बड़बोलापन रह गया, जिसके कारण से उसको समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर स्पष्ट रूप से फायदा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि मुझे लगता है अभी शाम को रात के 8-9 बजे तक जो है ये आंकड़े आपको क्लियर होंगे, क्योंकि मार्जिन जो बताया जा रहा है वो कहीं कहीं पर 1000 और 2000 का मार्जिन है, तो मुझे लगता है कि उसके इंतजार करना चाहिए। आपके पास लौटेंगे, एक रिएक्शन आलोक अवस्थी जी से भी ले लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, ठीक है हार जीत तो वो है, लेकिन आपको क्या लग रहा है यहाँ पर अखिलेश यादव ने जिस रणनीति के साथ टक्कर दी है उसमें वो कामयाब हुए हैं? देखिए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, कम से कम न्यूज 18 को याद आ गया कि मैं भी पैनल में बैठा हूँ। अखिलेश यादव जी लगातार सब चुनाव हारे हैं इसके पहले, हाँ इस बार उन्होंने चुनाव में प्रदर्शन अच्छा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है उसमें उनका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस के बाद का जो बड़बोलापन था वो हम देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी अभी जो है बहुत पीछे है, 100 की संख्या में मात्र कांग्रेस है, 272 सीटें जब आप लाएंगे
तब आपको जो है सरकार बनेगी। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी इसका जिसके लीडर है एनडीए, वो उसकी सरकार बन रही है। और जो लोग ग्रेस मार्क से पास होते थे वो इस बार थोड़ा सा अच्छे मार्क से पास हो गए, लेकिन हम डिस्टिंक्शन पाते थे हम थोड़ा सा कम पास रह गए, लेकिन हम तब भी उनसे बहुत बड़ा दल है, हम उनसे बहुत बड़े संख्या में आगे हैं। राहुल गांधी ठीक है, आपके पास लौटते हैं आलोक जी, इस वक्त एक बार फिर नजर डाल लेते हैं कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन पर हार का सामना करना पड़ा है। इस वक्त बीजेपी की बात खासकर कर ले, कौन कौन से वो केंद्रीय मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो बड़े चेहरे हम आपके सामने रख रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी जो कि खीरी सीट से हार गए हैं, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चंदौली सीट से हार गए हैं। ये दूसरा बड़ा चेहरा बीजेपी का कौशल किशोर, वो भी केंद्रीय मंत्री, उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। और कौन कौन से चेहरे आपको दिखाते हैं, चार केंद्रीय मंत्री, स्मृति ईरानी जिनकी हार हुई है अमेठी में, यूपी में चार केंद्रीय मंत्रियों की हार हुई है, अजय मिश्र टेनी इनकी भी हार हुई है, इन्हें भी जनता ने जिताया नहीं इस बार, महेंद्रनाथ पांडे इनकी भी हार हुई है, जनता ने इन पर भी भरोसा नहीं किया, और कौशल किशोर बहुत आश्वस्त लग रहे थे कि ये तो जीतेंगे ही, लेकिन कौशल किशोर भी अपनी सीट बचा नहीं पाए हैं। ये चार चेहरे इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, स्मृति ईरानी, कैलाश चौधरी, आरके सिंह, अजय मिश्रा टेनी, ये सारे बड़े चेहरे जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा किसी न किसी रूप में, उनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि हार के बाद चिंतन मंथन का दौर चलेगा, आकलन अवलोकन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि कहां पर हमसे चूक हो गई और क्यों ये बड़े चेहरे हारे जिनके कंधों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी थी, अगर वो चुनाव हार गए तो क्या क्या कारण रहा। आपने लगभग सबसे मुलाकात की थी, सबके क्षेत्र में आप गए थे। स्मृति, चलिए कौन कौन जीते हैं ये भी एक बार दिखा लेते, फिर इस पर आगे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, एक एक चेहरे पर हम विचार करेंगे। लेकिन ये देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार, और वो जीत हासिल की उन्होंने, अजय राय कांग्रेस और INDIA के उम्मीदवार थे, उन्हें हार हुई है, 153,000 वोटों से जीते हैं पीएम जी। साक्षी महाराज, एक दूसरा बड़ा नाम साक्षी महाराज, उन्नाव सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है, अनु टंडन को हराया है। लेकिन बड़ी बात है कि साक्षी महाराज की हार जीत का जो अंतर था 2019 में मेनका, वो 400,000 वोटों का था, और इस बार महज 30,000 वोटों से साक्षी महाराज ने जीत दर्ज की है। तो ये भी वहां पर आकलन करने का विषय है कि ये मार्जिन इतना कम कैसे हुआ। और रायबरेली, दिनेश प्रताप सिंह हार गए हैं, जीते हैं राहुल गांधी, और बड़े वोटों के अंतर से जीते हैं राहुल गांधी। रायबरेली में आखिरी मोमेंट में आकर उन्हें कैंडिडेट अनाउंस किया गया और उन्होंने चुनाव जीता है। किशोरी लाल जीत गए हैं, एक बहुत बड़ा सेटबैक। अमेठी में स्मृति ईरानी हारी है, तो सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं हारी है, एक केंद्रीय मंत्री की हार हुई है, कांग्रेस के एक ऐसे नेता से जिसे लेकर बार बार बीजेपी कह रही थी कि वो बहुत बड़े नेता नहीं है, वो तो सिर्फ सोनिया गांधी के प्रतिनिधि रहे हैं इसलिए उन्हें यहां भेज दिया गया है और बहुत बड़े नेता नहीं है। लेकिन यहां पर स्थानीय होने का फायदा KL शर्मा को मिलता दिख रहा है। आलोक जी, आपकी शिकायत थी कि आपको न्यूज 18 ने याद रखा, मतलब बहुत देर तक हम आपके पास आ नहीं पाए थे, ब्रेकिंग आती रही, आपके प्रत्याशी जीतते रहे।